Hello everyone, today we are going to discuss the section 108A of the Indian Penal Code 1860. आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय दंड संहिता 1860 का जो धारा 108 है उसके बारे में. सेक्शन 108A ये बात करता है अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया. ये सेक्शन जो बात करना चाह रहा है वो ये है कि अगर कोई ऑफेंस इंडिया में अबेट किया जाए, मतलब अबेटमेंट जो किया जा रहा है वो इंडिया में किया जा रहा है, लेकिन जो ऑफेंस का कमीशन हो रहा है, जो ऑफेंस कमिट हो रहा है वो आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो क्या होगा उसके बारे में बताया है. अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड. तो जब कोड की बात आ रही है तो कोड का मतलब है कि इंडियन पिनल कोड. कि इंडियन पिनल कोड के अंदर कोई भी ऑफेंस दिया गया है उसको पर्सन अबेट करता है तो क्या होगा. अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया विच वुड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया. तो एक पर्सन की एक ऑफेंस को अबेट कर रहा है जो इस कोड में डिफाइन है, मतलब जो आईपीसी में डिफाइन है, इंडिया में बैठा हुआ है वो पर्सन, इंडिया में अबेट कर रहा है और उसका जो कमीशन हो रहा है, जो अबेट किया है जिस ऑफेंस को, उसका कमीशन जो हो रहा है वो विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया हो रहा है. विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया का मतलब है, विदाउट का मतलब है विदाउट इंडिया, मतलब किसी दूसरी कंट्री में, और बियॉन्ड इंडिया का मतलब है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी कंट्री की सॉवरेनिटी नहीं है. विदाउट इंडिया में मतलब किसी कंट्री की सॉवरेनिटी है उस कंट्री में, उस एरिया में इंडिया का कोई राइट नहीं है, कोई इंडिया के पास पावर नहीं है उस जगह की. और बियॉन्ड इंडिया में ये है कि उस जगह की पावर किसी भी कंट्री, किसी भी नेशन के पास नहीं, दैट इज बियॉन्ड इंडिया. विच वुड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया. तो ऐसा माना जाएगा कि वो जो ऑफेंस किया है वो इंडिया में कमिट हुआ है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ए इन इंडिया इंस्टिगेट बी. ए एक पर्सन है जो इंडिया में है, इंस्टिगेट करता है बी को. एक फॉरेनर है जो इन गोवा टू कमिट अ मर्डर इन गोवा. ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर. अब आप सोच रहे होंगे ये जो गोवा है ये दिया हुआ है, लेकिन गोवा तो इंडिया का पार्ट है, लेकिन यहाँ जो बात करी है वो बात करी है इन एक्ट विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिट होना चाहिए. तो अगर बी जो है मर्डर कर रहा है गोवा में तो वो क्यों पनिश हो रहा है, ए क्यों पनिश हो रहा है, क्योंकि जो बी का एक्ट है वो तो इन इंडिया में है. यहाँ पर बात बियॉन्ड, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया की. तो मैं आपको बता दूँ ये जो इलस्ट्रेशन है ये 1860 के टाइम की दी हुई है, और 1860 में हमारा जो इंडियन पिनल कोड था तब बना था, जब लॉर्ड मैकॉले ने बनवाया था तब गोवा इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं था. पुर्तगाल जो पोर्तुगीज थे उन लोगों के अंडर गोवा आता था. तो अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहें तो मान सकते हैं कि सपोज मान लीजिए कोई पर्सन है इंडिया में बैठा हुआ है, वो एक ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए पर्सन को अवेट करता है कि वो थेफ्ट करे, थेफ्ट का ऑफेंस करे, कोई चीज़ चोरी करे. और अगर वो पर्सन ऑस्ट्रेलिया वाला जो ऑस्ट्रेलिया में है वो चोरी कर लेता है, तो वो जो पर्सन, जिस पर्सन ने ऑस्ट्रेलिया वाले पर्सन को, ऑस्ट्रेलिया के सिटीज़न को चोरी करने के लिए बोला है, वो इंडिया में लाइबल होगा फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, क्योंकि थेफ्ट इज़ एन ऑफेंस इन इंडियन पिनल कोड अंडर सेक्शन 378. सो वो पर्सन लाइबल होगा इंडिया में. तो जो ऑफेंस इंडिया में है सिर्फ उसी ऑफेंस के लिए पर्सन लाइबल होगा जिसके लिए एक पर्सन अवेट कर रहा है. होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू वेरी मच.